बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ चलाए गए विशेष सर्च अभियान में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जहां 2 राइफल बरामद किया, वहीं भारी मात्रा में राशन सामग्री के साथ गोलियां भी बरामद की गई है। ये जो सफलता प्राप्त हुई है नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मदनपुर थाना अंतर्गत प्राप्त हुई है, इसमें सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जिला पुलिस और कोबरा और 47 बटालियन CRPF की एक संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 303 राइफल, 315 राइफल मैगजीन के सहित और 315 बोर का जो लाइव राउंड है 28 की संख्या में बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त 5 किलो का KNID बरामद किया गया और 1 किलो का KNID बरामद किया गया और कॉडेक्स वायर 250 मीटर बरामद किया गया है और पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इन सामान को घटनास्थल पर ही विनष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर खाने पीने की सामग्री, स्टील का बर्तन, कुछ दवाइयाँ, शेविंग किट इत्यादि को बरामद किया गया और वहाँ पर ही घटनास्थल पर इसे डिस्ट्रॉय किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, ये इसी क्रम में सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में मदनपुर थाना अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है 33 नामजद लोगों के विरुद्ध और 10 अज्ञात। इस छापामारी अभियान के फलस्वरूप नक्सलियों का मनोबल गिरा है एवं नक्सल गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु हम लोग लगातार सतत अभियान चला रहे हैं और आगे इस तरह का अभियान जारी रहेगा।